ट्रेन तो सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे ट्रेन में लोग रोज़ सफ़र करते हैं, नए पुराने आदमी आते जाते रहते हैं, उनसे हमारी मुलाकात होती है और अपनी मंजिल मिलते ही वो ट्रेन से उतर जाते हैं। सेम वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी होती है, जहाँ बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत से लोगों से हमारी डेली मुलाकात होती है, उनमें से कुछ लोगों से हमारा दिल का रिश्ता बन जाता है और कुछ लोगों को अपनी मंजिल मिल जाती है तो वो अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। हमारे पास दो रास्ते बचते हैं, या तो हम उनके जाने से रोए, उन्हें फोर्सली रोकने की कोशिश करें, उनके सामने ना जाने के लिए गिड़गिड़ाएं, या फिर दूसरा रास्ता चूज करें कि वो जो चाहते हैं हम उनको करने दें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाते हुए उन्हें जाने दें। क्योंकि सबको पता है कि जो रियल में अपना होगा वो ना तो जाएगा, ना तो आपको उसको रोकने की नौबत आएगी। तो मेरी मानिएगा, हमेशा दूसरा वाला रास्ता अपनाइएगा, क्योंकि पहले वाले रास्ते में सिर्फ आपको दर्द और तकलीफ़ें मिलेंगी। और मान लो अगर वो रुक भी गया तो ना तो आप पहले वाले रहोगे, ना ही आपकी वैल्यू। क्योंकि शायद आपने ये सब चीज़ें देखने के लिए या करने के लिए तो ये रिश्ता नहीं बनाया होगा ना, तो क्या फ़ायदा। कभी भी किसी को अपनी ज़िंदगी में रहने के लिए फ़ोर्स मत करना दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है, इसको फोर्स के साथ नहीं काट सकते। जैसे एक पौधा होता है, उसको प्यार से सींचने की ज़रूरत होती है, उसको टाइम टाइम से धूप और पानी की ज़रूरत होती है, वरना वो मुरझा जाता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी है, इसे भी प्यार की, समझ की, रूठने की, मनाने की, एक केयर की ज़रूरत होती है, वरना ये भी उस पौधे की तरह हो जाएगी। ज़िंदगी तो रहेगी पर उसमें जान नहीं होगी। जानती हूँ कि जाने देना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी भर रोने से अच्छा है कि आप कुछ दिन या कुछ महीने रो लो। अगर फिर भी आप उसके इंतज़ार में बैठे हो कि उसे भी फ़र्क पड़ता होगा, तो आप गलत हो, क्योंकि जिसको फ़र्क पड़ता है वो जाता ही नहीं है, भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता है जैसे आप करते हो, वो भी सिचुएशन को समझता जैसे आप समझ रहे हो। किस रिश्ते में लड़ाइयाँ और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, भाई बहन में, पति पत्नी में, दोस्तों में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में। लेकिन प्रॉब्लम्स होने का ये मतलब नहीं होता कि एक दूसरे से रास्ता ही अलग कर लिया जाए। सिर्फ वही जाएगा जिसके लाइफ में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। अपने आप को इतना बढ़ाओ, इतना कीमती बनाओ कि आपको छोड़ के जाने वाला पछताए कि उसने क्या चीज़ खो दिया और वो खुद चलकर आपके पास वापस आए। उसे ये फील हो कि आपकी फीलिंग इतनी सस्ती नहीं, कि तुम किसी को भी मिल जाते। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसको किसी के लिए भी ज़ाया मत करो। जिसको जाना है उसे जाने दो, फोर्स किसी को मत करो। क्योंकि ये समझ लेना कि शायद भगवान ने तुम्हारी ज़िंदगी सुधारने का पहला कदम उठा लिया है।